पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच आज मुलाकात हुई। तो बिहार की सियासत में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी से खुद तेज प्रताप यादव उनके आवास में मिलने के लिए पहुंचे हैं और बंद कमरे में काफी देर से जो है बातचीत हो रही है। जीतन राम मांझी से आज क्या बातचीत कर रहे होंगे तेज प्रताप, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज लालू यादव जी का जन्मदिन है और इसको लेकर के जो है जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को जो है शुभकामनाएं दी हैं, उसके बाद अभी तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के पास पहुंचे हैं और उनसे लालू प्रसाद के जन्मदिन के आज मौके पर मिलने आए हैं और एक लंबी बातचीत चल रही है। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए और तेज प्रताप ने कहा कि वह मांझी अंकल से हमेशा मार्गदर्शन लेते रहते हैं और आज अचानक उन्हें मिलने का दिल किया तो मांझी अंकल से मिलने हुए चले आए। फिर उन्होंने कहा कि वह युवाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए एक पहल करना चाहते हैं और अपने प्लान के बारे में वे जितना मांझी थे बातचीत करना चाहते हैं। उधर मांझी जी से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों से युवाओं को आगे लाया जाए। जीतनराम मांझी से मुलाकात करने से पहले तेज प्रताप ने कहा कि अगर जीतनराम मांझी महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन तेज प्रताप की इस ऑफर को जीतनराम मांझी ने सिरे से खारिज कर दिया। मांझी ने कहा कि एनडीए छोड़कर वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। आगे जीतनराम मांझी ने कहा कि तेज प्रताप यादव आज लालू जी के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने आए हैं, उन्हें अच्छा लगा, लेकिन उन दोनों के बीच कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। मांझी ने आगे बताया कि राजनीतिक छोड़कर सामाजिक मुद्दों पर बातचीत तो होती रहनी ही चाहिए। काफी लंबी देर बातचीत चली है। देखिए, प्योर पारिवारिक बात हुई है और लालू प्रसाद जी का आज जन्मदिन भी है और इसलिए उनको शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। और जहाँ तक रही तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी से हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन युवा ये सब के बारे में हम लोग बात किया है और हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीतिक बातें छोड़ करके सामाजिक बातें होते रहना चाहिए, ऐसी परंपरा हो। और ईसाई ने एक प्रस्ताव भी दिया है, वो प्रस्ताव है कि कुछ वैसे युवा लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों और संस्था टाइप के हो जिसमें कि राजनीति के समाज के अन्य बातों का समाज भी उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, उसकी भी उन्होंने बात की है और हमने इनको कहा है कि अगर वैसा आप उचित समझें तो बिना पॉलिटिक्स के कोई संस्था ऐसा बने, माने गैर राजनीतिक संस्था और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप बुलावें और हमको भी बुलावें तो हम आवेंगे। हम लोग की यही बात हुई और कोई विशेष बात नहीं है। एनडीए में ही रहिएगा? अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई, एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात जो है तो उसमें तो हाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। नहीं, इसे कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाईचारा में यहाँ पर वाइफ हस्बैंड भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा है। शुरुआत तो हो गई, मुलाकात को क्या समझे सर? शुरुआत पहले से भी होते, इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे, वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था उस समय। एनडीए में धुकधुकी बढ़ गई है सर, प्रताप के मुलाकात के बाद एनडीए में धुकधुकी बढ़ गई है। अब कहाँ धुकधुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ये आप लोग जानते हैं। हम इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं, लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना उसी को हम आए, सोचे कि बहुत दिन हो गया
कोरोना काल के बाद जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मांझी साहब कर रहे हैं वो क्या होगा गैर राजनीतिक? नहीं, इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए, और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन है वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके के फेस करेंगे हम। तो उस तरीके का एक हमने इनको बताया कि इस तरीके का एक हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें सम्मिलित हों। ठीक है।